हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा, और मेरे साथ में है मेरी मैनीक्विन मेरी डमी, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज़ पैटर्न ग्रिडिंग। गाइज, जब मैंने लाइव किया था तो मुझे कुछ पॉलिटेक्निक्स के बच्चे थे जो वाराणसी से थे, वाराणसी से उनको फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं और उनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 19 से। गाइज, उन्होंने मुझे कॉल करके स्पेशली बोला, मैम पैटर्न ग्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ग्रेडिएशन ग्रेडिंग कैसे कराते हैं, किस तरीके से होता है, आप प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाइए, हमें समझा दीजिए। तो मुझे लगा एक इंडिविजुअली अगर मैं पर्टिकुलर किसी गर्ल को समझाती हूँ तो बाकी और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कोई ना कोई ऐसे डाउट्स होंगे, जो जहाँ प्रॉब्लम होगी मैं उनका बेसिक इस चीज़ में जो पैटर्न ग्रेडिंग है किस तरीके से होता है वो क्लियर करूँगी। राइट गाइस, तो पैटर्न मेकिंग को, पैटर्न ग्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें अपनी जो बॉडी है, जो प्रोपोर्शन है, उसको समझना है। बिकॉज जो बॉडी टाइप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और साइजेस अलग होते हैं, हाइट्स अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न है वो बनता है, जो बेसिक पैटर्न है वो बनाया जाता है। तो मैंने आपको बेसिक पैटर्न भी बनाना बताया था, बहुत सारे लोगों कह रहा है कि हमें मैम ड्रेपिंग भी सीखना है। तो गाइज, ड्रेपिंग से ही, अगर ड्रेपिंग भी इस पर होता है, बट आज हम पैटर्न ग्रेडिंग की बात करेंगे। तो पैटर्न ग्रेडिंग को करने के लिए सबसे पहले इसको, प्रोपोर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये जो हमारा जो डमी है वो 10 नंबर की डमी है, इसके अलावा 2-2 इंचेस के जो डिफरेंट साइज पर भी है डमी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बट ये स्टैंडर्ड साइज़ है। बेसिक पैटर्न इसी पर हम बनाते हैं और फिर जिस तरीके से बॉडी का रहता है टाइप, उस पे हम उसको इंक्रीट करते जाते हैं, इंक्रीमेंट होता जाता है। और किस तरीके से ये होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज़, बहुत ईजी है, बिल्कुल पैनिक होने की नीड नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वन साइड, दिस इज़ अ सेंटर फ्रंट एंड दिस इज़ अ सेंटर बैक, हमें बस इतना पोर्शन लेना है। एंड ये डमी प्रिंसेस लाइन को शो कर रही है, तो हम इसको प्रिंसेस पर ही, प्रिंसेस जो डार्ट है उसको यूज़ करते हुए, प्रिंसेस लाइंस को यूज़ करते हुए अपना बेसिक पैटर्न की ग्रेडिंग हम करेंगे। सबसे पहले ये ज़रूरी है, जब हम ड्रेप कर रहे होते हैं या फिर पैटर्न बना रहे होते हैं तो हमें कौन सा फैब्रिक यूज़ करना रहता है? मसलिन फैब्रिक, मसलिन फैब्रिक हम यूज़ करेंगे। यहाँ से सी दिस, हमें पूरा ये इस तरीके से, ठीक है गाइस, ये इस तरीके से, जो ये हमें थोड़ा इसको, ये आज आपकी क्लास वन है, ये क्लास वन है फॉर पैटर्न ग्रेडिंग। आज हम इस पे पूरा जो बेसिक पैटर्न है वो बनाएंगे, उसके बाद ग्रेडिंग नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ये उन लोग के लिए है जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं। अब ये सेंटर फ्रंट लाइन जो है सीरीज, इसमें ये 2 इंच का जो हमें मार्जिन रखते हुए, राइट गाइस, ये देखिए, इस पे हमें एक यहाँ पिनेट पिन कर देना है। अब इसी तरीके से, अब एक मिड में जो एपेक्स, यहाँ पर एक पिन कर देना है, एपेक्स लाइन पर एक पिन यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड एपेक्स, ठीक है, दिस इज, और वेस्ट लाइन पर भी हम यहाँ एक पिन कर देंगे, ठीक है गाइस, यहाँ हमने पिन किया। अब जितना हमने सीरीज, हमने यहाँ पर 2 इंचेस का है मार्जिन लिया है जो इनसाइड है, अब इस पर भी हम यहाँ भी 2 इंचेस पर ही करेंगे, इतना हम छोड़ देंगे। अब गाइस, अब इसके बाद में सी दिस प्रिंसेस किस तरीके से बनेगा, या हम, मैं आपको प्लेन पर ही बनाना बताती हूँ, प्लेन जो हमारा, लेकिन अगर आपको समझना है ग्रेडिंग, पैटर्न ग्रेडिंग समझना है, तो प्रिंसेस लाइन से बेटर कोई और एग्जांपल नहीं है जिसपे आप इसको समझें। सी दिस, ये हमारा मिड में, ये शोल्डर के मिड में, सी दिस, दिस इज शोल्डर मिड, यहाँ से हमारा प्रिंसेस स्टार्ट होता है। ओके गाइस, अब प्रिंसेस के लिए हमें 1/2 इंच,
ये इस तरीके से हाफ इंच पूरा वन वन इंच हाफ इस तरीके से बोथ साइड, और यहाँ पर एक मिड में हमें पिन कर देना है। ठीक है गाइस, अब ये वाला पूरा प्रिंसेस किस तरीके से कवर होगा सीधे आप देख लीजिए। अब यहाँ से हमें ये हमारा बस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हमें एक और पिन कर देना है सी, ये वाली प्रिंसेस लाइन। देखिए जब वेस पर आ रहा है प्रिंसेस, यहाँ ये देखिए ओके गाइस, ये हमें यहाँ पर इस तरीके से एक पिन करना है। ये कुछ इस तरीके से ये पूरा सेट हो जाएगा। इसके बाद इसको हम कट कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले हमें कितना मार्जिन चाहिए इसको रखते हुए, ये प्रिंसेस का जो पूरा का पूरा इस तरीके से आ रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप, इसको जो बॉडी शेप है पूरा हम पेंसिल से मार्क कर देंगे गाइस, जहाँ जहाँ हमारा ये पूरा हम इसको मार्कर से या पेंसिल से पूरा मार्क करेंगे गाइस। ये इस तरीके से पूरा ये जो हमारी ये सेंटर फ्रंट लाइन एंड देन प्रिंसेस लाइन को सी दिस प्रिंसेस लाइन पर हमें पूरा मार्क कर देना है गाइस। ये जब हम इसको ट्रेसिंग व्हील से यूज़ करेंगे ना, तो ये पूरा मार्क हमें सी दिस यहाँ पे ये पूरा मार्कर से ओके गाइस। ये देखिए पूरा पहले तो शोल्डर लाइन पर जो जहाँ जहाँ शोल्डर, देखिए गाइस ये पूरा शोल्डर लाइन ट्रेस करते जाएंगे, जो लाइंस हैं इसकी शोल्डर लाइन है, और आपका जो ये देखिए पूरा ये इस तरीके से ये फिक्स बनेगा, जो ये पैटर्न है वो फिक्स बनेगा। ओके गाइज, ये पूरा का पूरा हमने इस तरीके से इस पर पूरा ये प्रिंसेस लाइन दे दिया है इस पर। तो प्रिंसेस किस तरीके से ये डार्ट होता है, अब इसको हम पूरा कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये हमने पूरा यहाँ से पूरा जो हमारा पैटर्न था वो ट्रेस कर लिया है गाइस। अब मैं एक बार और आपके सामने, सबसे पहले हमने मसलिन फैब्रिक से इसको ड्रेप किया, प्रिंसेस लाइन हमने बनाई और एक ये देखिए किस तरीके से वन इंच पे, और यहाँ पर हमारा ये प्रिंसेस लाइन हमें इस तरीके से आ गए, और हमने यहाँ आप एक इंच या दो इंच का मार्जिन नीचे के साइड पे छोड़ा, और डेढ़ इंच का हमने इनसाइड जो सेंटर फ्रंट है उसमें लिया। उसके बाद में पूरा का पूरा हम इसे ट्रेस करते गए। अब इसको क्या करना है, इसको हम आगे जो क्लास है हमारी कल हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और किस तरीके से इसको ग्रेडिंग करते हैं। ये बेसिक पैटर्न हमारा प्रिंसेस लाइन्स का हमने बना दिया है गाइस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से हमने आप ये बनाया है। लेंथ वाइज हमने लिया था, ध्यान रहिए लेंथ वाइज हमने इसको फैब्रिक को लिया और यहाँ पर हमने इसको प्लेस किया। उसके बाद में अब हम इसको इससे हटा देंगे,
हटाने के बाद में क्या करना है वो मैं स्टेप आपको कल की क्लास में बताऊंगी। होप यू अंडरस्टैंड, इतना स्टेप तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने क्या किया। ओके, ये कितना प्रिंसेस लाइन है, कितना सेंटर फ्रंट है, कितना आपका बस्ट है, फुल बस्ट कितना है, तो ये वेस्ट लाइन कहाँ है, तो ये पूरा आपको ये आई थिंक इजीली समझ में आ गया। ख़ास करके पॉलिटेक्निक गर्ल्स जिनके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मैंने ये बनाई है। पॉलिटेक्निक गर्ल्स के लिए ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैंने पैटर्न ग्रेडिंग का सीरीज़ शुरू किया है जिससे उन्हें एग्ज़ाम में भी हेल्प मिले। और डायग्राम्स मैं कल के या फिर परसों अगर मैं अपलोड करती हूँ तो परसों मैं ग्रेडिंग का पूरा बताती हूँ किस तरीके से रहेगा, कितने कितनी डिस्टेंस पे आपका जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जो बेसिक आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके से स्टार्ट होके देन ये अच्छा सा जो इम्प्रूव होता है, इंक्रीड करते हैं, इंक्रीमेंट होता है, किस तरीके से होता है, वो मैं क्लास वाइज आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। आई थिंक अगर आज की क्लास में मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया तो आपके समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा थोड़ा चैप्टर आपके माइंड में जिससे बैठ जाए। इसके लिए हमने एग्जांपल पे लिया है प्रिंसेस लाइन। होप यू अंडरस्टैंड टुडे क्लास एंड एंजॉय विद दिस क्लास। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, बिंदास रहिए।